अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के ग्रामर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। होपफुली आपको पिछला सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम अपना ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ग्रामर का टॉपिक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास थ्री टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें जो मेन चीज लगानी होती है वो हमारे पास होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें इसकी, एग्जाम्पल देखें, शी ईट्स एन एप्पल। ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस की है। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, ईट्स हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया कि थ्री टाइप्स होती हैं। पॉजिटिव का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, पॉजिटिव टाइप का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चाहे वो पॉजिटिव टाइप हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, तीनों में वर्ब। सेकंड एग्जांपल देखें पॉजिटिव टाइप की, शी प्लेज फुटबॉल। इसमें हमारे पास, मैं आपको फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें हमारे पास शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास प्लेस और फुटबॉल हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव। नेगेटिव टाइप का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल देखें, She does not eat an apple. She does not eat an apple. इसमें हमारे पास she हमारे पास subject है, does not हमारे पास, हमने does not लगाया, eat हमारे पास verb की first form है, object है हमारे पास apple। हमारे पास do लगता है plural के लिए और does हमारे पास use होता है singular के लिए। डस के एंड पे ऐसा आते हैं और सिंगुलर के स्टार्ट पे ऐसा आते हैं, इसलिए डस हमारे पास सिंगुलर के साथ लगता है। अब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस की थर्ड टाइप है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है हमारे पास डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, डस शी ईट एन एप्पल। इंटरोगेटिव में डस हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हमारे पास इधर शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और ऑब्जेक्ट है हमारे पास एप्पल। डस शी ईट एन एप्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, डज शी प्ले फुटबॉल। डज हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारे पास है शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास प्ले और ऑब्जेक्ट है हमारे पास फुटबॉल। जब भी हमने इंटरोगेटिव बनाने हैं तो डज डू या डज जो भी यूज हो रहा है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा और फिर बाकी फॉर्मूला वैसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। होपफुली फ्रेंड्स, आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।